नगर निगम चुनाव संपन्न होने के बाद पहली बार आज दरभंगा नगर निगम में सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई। इसमें महापौर, उपमहापौर, नगर आयुक्त, उपनगर आयुक्त एवं सभी सशक्त स्थायी समिति के सदस्य उपस्थित थे। वहीं पत्रकार को भी इसके लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन बैठक शुरू होने के कुछ देर बाद नगर आयुक्त ने यह कहते हुए आग्रह किया पत्रकारों से कि ये गुप्त बैठक है, ये मंत्रिमंडल की बैठक है, आप लोगों को इसकी जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि जब इस प्रकार का नियम है तो पत्रकार को क्यों आमंत्रित किया गया। पूर्व में भी सतत स्थायी समिति की बैठक होती थी, पत्रकार आते थे और खबर बनाते थे, लेकिन इस बार जिस प्रकार से यह व्यवस्था लागू हो गई कई सवाल खड़ा होता है। वहीं पत्रकार दीर्घा में भी इस बात की चर्चा है कि आखिर जब पत्रकार को आमंत्रित किया गया तो ऐसी व्यवस्था क्यों हुई। वहीं एक दो सदस्य ने है यह तो बात जरूर कहा कि नहीं, इन्हीं के द्वारा लोगों तक हमारी बात जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखना यह है कि जिस प्रकार से यह व्यवस्था बनी है, यह व्यवस्था कब तक लागू होता है और जो जनता की समस्या है ये लोग जो उठाते हैं जनता तक कैसे पहुंच पाती है। कहा जाता है कि जब किसी की आवाज़ नहीं पहुंचती है तो पत्रकारों के माध्यम से उसकी आवाज़ वहां तक पहुंचती है, लेकिन जिस प्रकार से दरभंगा नगर निगम में ऐसी व्यवस्था की गई है कई सवाल खड़ा होता है और लोगों के मन में कई सवाल भी उठता है। वैसे आपको बता दूं, कुछ सदस्यों ने तो ज़रूर कहा कि इन्हीं लोगों के माध्यम से हम लोगों की आवाज़ जनता तक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। उसमें लगा है जो पत्रकार महोदय यहाँ रहेंगे, नहीं एक मिनट भैया, उन लोगों को तो जरूरत है शहर से जनहित में काम होना है, क्या आगे होना है क्या नहीं होना है, इन लोगों के माध्यम से जनता तक पहुंचना है, इन लोगों की यहाँ तो रहनी जनता तक सारी योजनाएं ऐसे भी डिस्कशन हो सकती है जो कि चीजें बाहर नहीं जानी चाहिए, इसलिए हमने ये बोला कि आप लोग ठीक है, आपको सूचना चली गई होगी। इस पर बोर्ड की बैठक जो होती है ओपन टू ऑल है, आप उसमें बोलिएगा, लाइव कर दीजिए, फेसबुक लाइव चला देंगे। अभी जितनी बैठक थी अभी हम लोगों की अभी जो बातें होगी डिस्कशन।